हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेटेड वीडियो होगी। यानी कि इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन जो खास है यानी आपको खुशखबरी नहीं है, इसके अंदर आपको दुख खबरी देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। क्योंकि हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी चल रही है, यानी कि आप सभी को पता है रेगुलरली जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसकी अपडेट मैं आपको रेगुलरली देता जा रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी फिक्स कर दिया गया था कि जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसकी जो 15 या 20 तारीख से क्या होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी ऐसी पूरी पूरी संभावनाएं चल रही थी, इनकी प्रोसेस भी चल रही थी राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड, यानी कि आपको बहुत ही बड़ा दुख होगा इस वैकेंसी से या फिर इस अपडेट को सुनकर। तो चलिए मैं आपको इस अपडेट के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान की तरफ से जो है लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है वो चीज़ मैं बताता हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मामला हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक अंतिम चयन सूची पर लगाई रोक। यानी कि जो 20 जुलाई को जो आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो निकालने वाली थी, लेकिन उस सूची पर रोक लगा दी है। किसके द्वारा? हाईकोर्ट के द्वारा यह रोक है वो लगाई गई है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सरकार द्वारा एकेडमिक योग्यता के आधार पर करवाने को लेकर कोर्ट में चुनौती भर्ती को लिखित परीक्षा से करवाने को लेकर भरत बेनीवाल द्वारा दायर की गई याचिका। यानी कि इसमें क्या किया गया, जो मेन मुद्दा है उसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अंदर ये बताया गया कि जो परसेंटेज बेस के आधार पर जो वैकेंसी होने वाली थी राजस्थान के अंदर, उस परसेंटेज बेस के आधार पर वैकेंसीज को ना करवाने के अंदर काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो नाराज़ थे। और इस नाराज़गी की वजह से जो भरत बेनीवाल जी ने क्या किया है, इस वैकेंसीज के ऊपर रोक लगा दी, यानी कि एक याचिका दायर की। और याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। ठीक है, यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से इस वैकेंसी को रोक लगा दी गई है, जो कि 20 जुलाई को क्या थी इसकी जो फाइनल लिस्ट है वो निकलने वाली थी, लेकिन अब वो अब नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि इस वैकेंसी के ऊपर रोक लगा दी गई है। वो देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, इसके अंदर प्रूफ भी दिखाया गया है आपको कि सप्लीमेंट्री देख लीजिए, वेनेसडे यानी कि बुधवार को यानी कि 12 तारीख को इस पर रोक लगाई गई थी कोर्ट नंबर 2। और किसके द्वारा लगाई गई है? भरत बेनीवाल के द्वारा, यानी कि भरत बेनीवाल जी के द्वारा इसके ऊपर रोक लगाई गई है। ठीक है, इसका जो याचिका नंबर है ये भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यही एक बहुत ही जो दुख खबरी आपके लिए देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ देख लीजिए इनके अंदर और भी ये चीज़ें दी गई हैं कि सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ एम श्रीवास्तव प्रयोग भटकार ने सुनवाई याचिका की कर्ता की ओर से सीनियर अधीक्षता अरविंद कुमार शर्मा, आनंद सर, सुरेंद्र कुमार स्वामी, राजेंद्र शर्मा ने सरकार को दिए गए आदेश जो 20 जुलाई तक अंतिम चयन सूची थी उस पर रोक लगा दी गई है। और इसकी जो रोक लगाने का जो मेन मकसद यही था कि इस वैकेंसी को क्या करवाया जाए, एग्ज़ाम के आधार पर करवाया जाए। यानी कि इस वैकेंसी का जो मेन मकसद क्या था कि इस वैकेंसी को एग्ज़ाम के आधार पर करवाया जाए। और इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, इस वैकेंसी की याचिका दायर की, इस वैकेंसी को रोका जाए, इस वैकेंसी को के ऊपर दोबारा से विचार किया जाए और एग्ज़ाम के आधार पर इस वैकेंसी को चलाया जाए। ठीक है, तो यही एक अपडेट आपको देनी थी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे सभी के लिए कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अब 20 अप्रैल को आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो नहीं आएगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।